सीएम सैनी का सिरसा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। 20,000 पौधारोपण का रहा लक्ष्य। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पवित्र दिवस, ये गुरु पूर्णिमा का। सीएम सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर किया कटाक्ष। कहा दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने पिता के कार्यकाल का हिसाब दें। ईडी की कार्रवाई पर बोले, ईडी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही। बापू का हिसाब दे, बापू बेटा लगे हुए हैं। वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है। फरीदाबाद में चौधरी उदयवान ने कांग्रेस कार्यकाल का उद्घाटन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी चुनाव की जानकारी दी। कांग्रेस हाईकमान तय करती है, वो स्क्रीनिंग कमेटी और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तय होता है। एक एक विधानसभा में बहुत बहुत कैंडिडेट है। फरीदाबाद में उदयवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा जहां जहां गृह मंत्री जाते हैं वहां वहां ईडी साथ चलती है। छापेमारी से कांग्रेस डरने वाली नहीं। जन समर्थन दिया है तो सर, वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त बयार चल रही है और लोग मन बना चुके हैं। वोट हमारे में इजाफा। उचाना में बीजेपी पर भड़के चौधरी बीरेंद्र सिंह। कहा बीजेपी से लोग नाराज हैं, 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं ये जरूर कहूंगा कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग शुभ नाराज हैं और नाराज। ईडी की रेट पर बोले चौधरी बीरेंद्र सिंह। कहा ईडी सीबीआई को भी एहसास हो गया है कि वो जाती नहीं कर सकते, जाती करने का जमाना बीत चुका है, मनमानी नहीं चलेगी। प्रति लोगों का रुझान बना है। अब कांग्रेस की लीडरशिप समझती है इस बात को कि आने वाला जो चुनाव है हरियाणा में भारी बहुत। अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। कहा आप अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है, इनके लालच देने वाले फॉर्मूले को अब जनता ने ठुकरा दिया है। दीपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना। आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी, दिल्ली में पूरी तरह साफ हो गई। अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना। कहा एक लहर चल रही है जो कांग्रेस के बापू बेटे को उड़ाकर हिंद महासागर में फेंक देगी। ठीक है, कांग्रेस के बापू बेटे को एक लहर महसूस हो रही है। यमुनानगर को मिली बड़ी कामयाबी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत अपने टारगेट से अधिक किया काम। 115% से पाया पहला स्थान। करनाल 88% से दूसरे स्थान पर और अम्बाला को मिला तीसरा स्थान। अब परसेंट अचीवमेंट पे जो कि यमुनानगर है रैंक 1 पर, रैंक 2 पर है करनाल जो कि 88% है। और यमुनानगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा हमारा कार्यालय महिलाओं को उनके परिजनों को जागरूक करता है ताकि वो समय पर गर्भवती होने की सूचना दें और समय पर उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। लिखित में दिशा निर्देश दिए गए कि ये मीटिंग करिए, मीटिंग करके उनसे ऑनलाइन फॉर्म कराए, उनका समय पे ऑनलाइन करके हमने लाभ दिया। चीन में 28 जुलाई को होगी कहा पंचायत। लिविंग रिलेशन के विरोध में हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर होगी पंचायत। राष्ट्रीय महासचिव ने जाट भवन में की मीटिंग। कर लेते हैं, कानून को सहारा दे देता है और लिव रिलेशनशिप, दो बच्चों का पिता दो बच्चों की माँ, वो भी शादी अगर किसी अदर से कर लेते हैं तो एक ये। खाप महापंचायत पर बोले राष्ट्रीय महासचिव। कहा खाप पंचायत हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव, लिविंग रिलेशन एक्ट खत्म करने की मांग करेगी। उत्तर भारत के रीति रिवाज अलग है। तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हम चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव हो स्थानीय परंपराओं के अनुसार। प्रशासन की सख्त कार्रवाई, कच्चे कर्मचारियों को हिरासत में लिया। सीएम आवास कुरुक्षेत्र का करने वाले थे घेराव। साथियों आप सभी देख रहे हैं कि जाति की जा रही है, आप सभी साथी जो भी नजदीक है वो जल्द से जल्द कुरुक्षेत्र पहुंचे। सेक्टर 3 के अंदर जब तक आप आते हो हम गिरफ्तारियां दे चुके होंगे।